हाँ तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। तो नया साल आने लग रहा है और नए साल पर बढ़िया बढ़िया नए नए गाने भी आने लग रहे हैं। तो इस वीडियो में उन्हें गाने की बात करांगे जो 2024 में आने लग रहे हैं। तारे घरा मूंगफली आओ चाहे ना आओ, लेकिन गाने इंडस्ट्री का अंदर आंदे रहेंगे। ना 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 ना, आगे चलने से पहला सब्सक्राइब और कर ले। सब्सक्राइब करें तो तेरा फोन नहीं फूटता और मेरा अमीर का खाता में थोड़े से पीछे आ जाएंगे। तो सबसे पहला बात करा इरशाद खान का बारे में। इरशाद खान का भी एक नया गाना आने लग रहा है जिसका नाम है गैंगस्टा पैराडाइज। गाना का पोस्टर में तो पूरा बदमाशी वाला लुक दिखा रहा है और यू गाना बिग कमिंग सून है। रिलीजिंग डेट ना आई है, लेकिन वाइट हिल डाकड़ के चैनल पर यू गाना जल्द देखने में मिल जाएगा। तो आगे बात करा डांडा न्योली वाला का बारे में। डांडा न्योली वाला का भी फिलहाल में शो था मेलबर्न के अंदर। तो उस शो की एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल होने लग रही है और उस क्लिप में है एमसी स्क्वायर और उस वीडियो ने लोग रिलेट करने लग रहे हैं केडी की गिल। तो वह क्लिप एक बार तुम भी देख लियो। अगर तुम नई यो क्लिप ध्यान से सुनी हो तो इसमें एमसी स्क्वायर कहने लग रहा है कि जितने भी रैपर बने बैठे हैं उनको बोल देना कि रियल हरियाणवी हिप हॉप क्या है। तो इस बात ने लोग कहे हैं कि एमसी स्क्वायर ने यह बात केडी तक कही है, लेकिन मैं आपकी जानकारी खातर बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। एमसी स्क्वायर तो खुद इंस्टाग्राम पर केडी ने फॉलो करा है। तो आप सब तक रिक्वेस्ट है कि इस तरह की नेगेटिविटी ना फैलाएं और ना ही ध्यान दें। आगे बात करा देवेंद्र अहलावत ने लेकर। देवेंद्र अहलावत ने एक स्टोरी शेयर करी है। स्टोरी में देवेंद्र अहलावत ने अपने कुछ हिट गाने जुकर की ओड़ महाराजा शरीफ बनाइए लिखी है और स्टोरी मेंशन करी है नव हरियाणवी लेबल तक और नीचे लिखा है कि उनका जो नया गाना आवेगा वो एक बैंगर सॉन्ग होगा और उसका नाम जल्दी अनाउंस करांगे। बाकी देखने वाली बात यो होगी कि गाना सही टाइम पर रिलीज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत से गाने हैं देवेंद्र अहलावत के जो लेट हो जाए हैं। तो आगे बात करा कैंडी सरोन का बारे में। कैंडी सरोन ने भी स्टोरी लगाई है और लिखा है यू आर रेडी। शायद कैंडी सरोन भी एक रिप्लाई सॉन्ग लेकर आने लग रहा है। थोड़े हिंट गुप्त सूत्रा तक मिले हैं कि कैंडी सरोन केडी तक रिप्लाई करेगा। बाकी हाले गाने की कोई भी इन्फॉर्मेशन ना आई है कि गाना कौन सा है, के नाम है और किसने म्यूजिक दिया है। बाकी देखेंगे अगली वीडियो में तारे तक अपडेट आ जाएगी कैंडी सरोन का सॉन्ग का बारे में। तो आगे बात करा अमित सैनी रोहतकिया का बारे में। तो दोस्तों अमित सैनी रोहतकिया का गाना आया था सैनी कौन कहेगा, जिस पर 1 मिलियन कमेंट का टारगेट नहीं हो पाया था। जोर तो बहुत लगाया लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अमित सैनी का एक नया गाना आ लिया है 29 दिसंबर ने और दुख की बात यो है कि अमित सैनी ने इसकी ना कोई अपडेट डाली और ना कोई रिलीजिंग डेट और ना कोई स्टोरी, सीधा गाना रिलीज करया है। गाने का नाम है पजेब। यो गाना गाया है अमित सैनी रोहतकिया ने और लिखा है केपी बिंटू ने। म्यूजिक जीआर म्यूजिक ने दिया है। लिंक गाने का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थम चेक कर सको। और दोस्तों अमित सैनी रोहतकिया से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट है। 29 दिसंबर ने तकरीबन 8 बजे से एक और गाना अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है लास्ट कॉल। गाना एक सैड सॉन्ग होगा और गाना यू गाया है अमित सैनी रोहतकिया ने। गाना लिखा है आरपी सिंह ने और यू गाना टी सीरीज हरियाणवी पे आवेगा। रिलीजिंग डेट तो इबे कमिंग सून है, बाकी कल या परसों में आ जाएगी क्योंकि अमित सैनी के बैक टू बैक गाने आवेंगे। तो आगे बात करा लवी सरनैचा के बारे में। लवी सरनैचा जिसकी कॉमेडी वीडियो तो तुमने यूट्यूब पर जरूर देखी होंगी। तो इब लवी सरनैचा गाना लेकर आने लग रहा है। तो गाने का नाम है एज। यू गाना गाया है और लिखा है कंपोज सारा कुछ लवी सरनैचा ने करा है और म्यूजिक है आर के क्रू का। मिक्सिंग करी है डी चंदू ने और डीओपी का काम करा है सुरजीत ने। रिलीजिंग डेट इबे कमिंग सून है। बाकी यू गाना लवी सरनैचा के यूट्यूब चैनल पर ही आने के चांसेज हैं। तो यू गाना होगा पूरा खेती बाड़ी टाइप का, क्योंकि गुलजार छन्नीवाला का फार्मर गाना लवी सरनैचा ने ला रखा है पोस्ट में और हाथ में कसी ले रहा है और खाट के ऊपर बैठे है खेत समय। तो हो सका है कि यू गाना एक खेती बाड़ी फार्मर टाइप में हो सका है। तो ये थी कुछ अपडेट्स, तुमने किसी लागे कमेंट करके जरूर बताइयो और जो चैनल पर कोई भाई नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लियो। 900 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी 900 सब्सक्राइबर करवा दियो, फिर आप अपनी ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आवेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।